आम के आम का फल आता है वैसे उनको लगता आलू का भी फल आता होगा। और इसीलिए जब गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, वे जो अमेठी में गए तो अमेठी के लोगों ने कहा, किसान जब कांग्रेस की सरकार थी उनसे कहा कि भैया बहुत सारी जगह चीनी मिले हैं, अगर अमेठी में भी चीनी मिले लग जाती लोगों को सस्ते में, यहां पर चीनी मिल जाती। उन्होंने कहा मिल लगाने की आवश्यकता क्या है, हम चीनी के पेड़ लगा देंगे और चीनी के पेड़ लगा करके तुम्हें खूब चीनी मिल जाएगी खाने के लिए। और भाइयों बहनों, हमने जब पूछा गया कांग्रेस की सरकार के समय कि किसानों का विकास होना चाहिए, उन्होंने कहा खूब विकास होना चाहिए, किसानों का खूब विकास होना चाहिए, खूब विकास होना चाहिए। और उन्होंने कहा किसानों का हम इतना विकास करेंगे कि किसानों के खेत में भी टायर लगाने की मौत आ जाएगी। आप अनुमान कर सकते हैं किसानों की जरूरत भी कर दी थी इन्होंने। प्रदेश के चाहे वह भ्रष्टाचारियों की कुल देवी हो या फिर प्रदेश के गुंडों के कुल भूषण या फिर इन नामदारों के कुल दीपक, ये जितने भी कुल हैं, यह प्रदेश और देश का सर्वनाश करने पर पारू हो चुके थे। हमें धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करके पूरे देश के अंदर आशा का एक नया संचार पैदा किया था 2013 में। पूरा देश और पूरी दुनिया में आज धूम रखी है एक नेता की। आप चले जाइए गांव में, आप चले जाइए शहर में, आप चले जाइए उत्तर में, आप चले जाइए दक्षिण में, आप चले जाइए पूर्व में, आप चले जाइए पश्चिम में, आप बुजुर्गों को पूछिए, आप बच्चों को पूछिए, आप महिलाओं को पूछिए, नौजवानों को पूछिए, हर जगह एक ही धूम है, मोदी 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 की एक ही धूम है। 2013-14 में हमारे पास केवल मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का काम भी हमारे पास है, आज मोदी जी का नाम भी और काम भी हमारे सामने है। और मैं देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी के 4.5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी के 55 महीनों का कार्यकाल, कांग्रेस सपा बसपा के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। भाइयों बहनों, बताने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अंदर 23,86,000 में जो आंकड़े बोल रहा हूं, नोट करके सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। कभी वोट मांगने जाते हैं जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि 55 वर्षों तक 60 वर्षों तक तुमने अकेले और मिलजुल करके भी प्रदेश में और देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय तुमने क्या किया था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्ष के दौरान अकेली हमारी सरकार ने मोदी जी के सहयोग से 23,86,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य किया है, 2,05,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय देने का कार्य किया है, 1,00,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया है, 1,12,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन दिया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 6,00,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5,00,00,000 रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा, 5,00,00,000 रुपए का स्वास्थ्य का उपचार एक गरीब परिवार कहीं भी करा सकता है। मोदी जी की कृपा से उत्तर प्रदेश के 6,00,00,000 लोगों को प्राप्त हुआ है, जो 56,00,00,000 लोग बचे थे उनको हमने प्रदेश के अपने बजट से पैसा देकर के उनको भी हमने कवर करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, सहारनपुर से दिल्ली का कार्य, एक दागी फर्म को
समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था और काम नहीं कर पा रहा था, लटकाया हुआ था। ये जो आदत बन चुकी थी लूटने की, प्रदेश को कंगाल बनाने की, चाहे वो सपा की हो, बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने जिस प्रकार की अराजकता फैलाई थी, उस अराजकता के कारण प्रदेश का विकास बाधित था। लेकिन जब मेरे पास हमारे यहाँ के सांसद राघव भगवंत जी का आए और उन्होंने कहा यहाँ के माननीय विधायकों के साथ मिलकर के कि लोग परेशान हैं, हम लोगों ने कहा बुलाया विभाग को के लिए क्या मामला है, कहा साहब कोर्ट में मामला चल रहा है, लिटिगेशन का मामला है, हमने कहा कोई कारण नहीं, हम वहाँ लड़ेंगे, लेकिन सहारनपुर की अपनी जनता को हम सड़क से वंचित नहीं होने देंगे। हमने कहा जो होगा वहाँ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज फोर लेन की कनेक्टिविटी सहारनपुर के साथ जोड़ने में मुझे तीन प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मैं धन्यवाद दूंगा राघव नंदन पाल को और उनकी पूरी टीम को, जो टीम लगातार विकास के लिए कार्य करती रही। मैं जब भी सहारनपुर आया, ऐसा तो है नहीं कि लोग, मैं स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने प्रदेश के विकास में स्वयं बाधक बनकर के प्रदेश के विकास के लिए जो स्वयं अपशकुन रहे हैं, वे सपून और अपशकुन मानते होंगे। कोई नोएडा नहीं जानता था, कोई बिजनौर नहीं जाता था। मैंने कहा मैं तो सब जगह जाऊंगा, प्रदेश का, प्रदेश की एक एक माटी का कण मेरे लिए तो चंदन है चंदन, और उसको अपने माथे पिछले माथे पर लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता, 23 करोड़ जनता की सेवा का अवसर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मुझे दिया है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए किसी भी अपशकुन को काटने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसलिए मुझे नोएडा जाने में भी कोई परहेज नहीं हुआ, बिजनौर जाने में भी कोई परहेज नहीं हुआ, और मुझे लगता सहारनपुर, मुझे लगता है कि मायावती जी और अखिलेश यादव जी जितनी बार अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नहीं आए होंगे, मैं अकेले उतनी बार आपके सहारनपुर आया हूँ। जब भी मैं आया, कभी सड़क लेकर के आया, कभी किसानों की समस्याओं का समाधान लेकर के आया, कभी पॉलर यूके लिप्टस में जो किसान परेशान थे कि लाइसेंस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें यमुनानगर जाना पड़ता था, हमने कहा नहीं, सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को हम लोग पॉपुलर और यूकेलिप्टस के लिए लाइसेंस हम वहीं उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ खांडसारी का उद्योग के भी लाइसेंस शुल्क से मुक्त करके हम यहाँ के लोगों को भारी राहत देने का कार्य करेंगे। डांस जाम के नाम पर किसानों को उन्होंने तबाह करके रखा हुआ था, कनेक्शन नहीं देते थे। हमने कहा कि हम लोगों के आने के बाद सपा बसपा का नाम ही दांत है, अंधेर में रहने के आदि हैं, बिजली ये लोग केवल अपने घरों में जलाते थे, और अगर बगल में किसी गरीब के घर में बिजली जलती थी तो पूछते थे कि इसके घर में बिजली क्यों जल रही है। इनको इस बात की चिड़ थी, इनके घर में, यानी नारायण का था कि मेरा वैभव अमर रहे मां, ये दिन चार रहे न रहे, और हमारा स्थिति उल्टे है। हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये करे भाजपा में और सपा बसपा कांग्रेस में, एक गिरोह है गिरोह, ये सपा बसपा कांग्रेस के नाम पर गिरोह, लूट खसोट का, भ्रष्टाचारियों का, अराजकता पैदा करने वालों का, दंगाइयों का, और उन देशद्रोही तत्वों को प्रश्रय देने वाला गिरोह, जो गिरोह विकास नहीं होने देना चाहता। मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसीलिए, क्योंकि मोदी जी ने विकास कराया। मोदी जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और देश के हर नागरिक के लिए जितनी योजनाएं मोदी जी ने दी, जिस तेजी के साथ दी, 30 वर्ष का मोदी जी का सार्वजनिक जीवन का कार्यकाल, और कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में हो या देश के सुप्रीम प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्रियों ने अग्रणी पंक्ति में गुजरात को लेकर के आए थे, और प्रधानमंत्री के रूप में आज भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के सामने पहुंचा करके भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
20 वर्ष के कार्यकाल में मोदी